देश में सत्ता में ऐसे ही पागल लोग आ बैठे हैं जो अपने आप को गुंडे ही पर उतर आए। धर्म कोई भी हो, कोई भी धर्म इंसान को मारना नहीं सिखाता, इंसान को गाली देना नहीं सिखाता। आप अगर मुसलमान हैं, कुरान को पढ़ के बताएं, कुरान में अधिकार और कर्तव्य जो एक इंसान के लिए दिया गया है, मैं समझता हूँ शायद ही कहीं आपको देखने। आप कश्मीर में कितने दिनों से हैं, यहाँ पे क्या फील किया आपने, क्या दर्द समझा है आपने, किन लोगों से? हमने भी सुना था कि जम्मू कश्मीर में लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। सरकार की आंखों में आंखों डाल के जब सवाल पूछोगे तो आपकी हत्या करा दी जाएगी। आप पूछ के देखो अडानी पर सवाल कि अमेरिका की फाइनेंशियल कंपनी, रिसर्च कंपनी ने अडानी के जो फ्रॉड हैं, शेयरों की खरीद फरोख्त सरकार की निगरानी में होते हैं, आखिर LIC और SBI ने कैसे खरीदे? दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी का नेता मनोज मित्तल एक लड़की को कार से 16 किलोमीटर घसीटता रहा, किसी ने सवाल पूछा? बोलो कि पूछा हो, चूंकि वह भारतीय जनता पार्टी का नेता उसमें शामिल था, उसके ड्रग कनेक्शन थे, इसीलिए किसी ने सवाल नहीं पूछने दिया। ये समाज में जो चंद मतलबी लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, ये हमें धर्म और जाति भाषा प्रांत में बांटकर मुल्क को लूटने वाले लोग हैं। पहले थोड़ा सा अपना तारुफ हमें करवाइए, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते। देखिए क्या होता है, आम आदमी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन आम आदमी का देश में ऐसी मजबूरी हो गई, लोकतंत्र से विश्वास उठ गया। जब आप देश में चुनाव होते हैं तो जब मतदान का आप रेशियो देखेंगे तो 50% से भी कम हो गया। क्यों? इसका एक ही कारण है, अच्छे लोग जो जरूरतमंद लोग हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते, कि चुनाव के नतीजे हैक कर लिए जाते हैं और उसके दुष्परिणाम ये होते हैं कि समाज में जो जितना नीचा उतना बड़ा ऊंचा। अभी हाल में आप देख रहे हो, ये जो लोग चुप हो गए, ये जब से देश आजाद हुआ या इसकी कोई साल है जब से ये चुप? देखिए देश आजादी के बाद देश के लोगों में, देश के सभी जाति सभी धर्म के लोगों में एक अजीब सी खुशी थी कि हमने गोरे अंग्रेजों को 7 समुद्र पार भेजकर हमने देश में तरक्की हासिल करनी है। देश में अलग अलग संस्थाएं बनी, जो देश बैलगाड़ी पर नहीं चढ़ पाता था, शायद ही गांव में जिलों में ऐसे कोई जमींदार हुआ करते थे जो बैलगाड़ियों पर चढ़ते थे और उसमें काठ की चक्के हुआ करते थे, राजघरानों में जो जमींदार हुआ करते थे। आज भारत का हर एक आवाम हवाई जहाज को चढ़ने की जरूरत रखता है और उसी हवाई जहाज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से बेच दिया। सर पहले देश में आप जब देखेंगे, आपने बात की बहुत अच्छी बातें की, आप लोग क्या करते हैं कि आदमी को किसी पार्टी से जोड़ देते हैं, नतीजा फिर उसको ट्रोल करने लगते हैं, फिर पार्टियों के लोग उसको गालियां दिलवाने लगते हैं। तो एक पागल जब सड़क पर जा रहा होता है ईंट का टुकड़ा उठा के तो सभी शरीफ लोग साइड हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वह पागल इस इलाके का दादा हो गया, समझ लो। आज देश में सत्ता में ऐसे ही पागल लोग आ बैठे हैं जो अपने आप को गुंडे ही पर उतर आए। धर्म कोई भी हो, कोई भी धर्म इंसान को मारना नहीं सिखाता, इंसान को गाली देना नहीं सिखाता। आप अगर मुसलमान हैं, कुरान को पढ़ के बताएं, कुरान में अधिकार और कर्तव्य जो एक इंसान के लिए दिया गया है, मैं समझता हूँ कि शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। मैंने गीता को पढ़ा है, मैंने बाइबल को पढ़ा है, मैंने नास्तिक शास्त्र को पढ़ा है, हमने सरल गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपने सवाल किया, आप आए, हम क्यों ना आए? ये देश हमारा भी तो है। हमने भी सुना था कि जम्मू कश्मीर में लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, और हमने कई इलाकों में गया, हम हल्द्वानी गए थे, आपने TV9 पर देखा होगा, शो बंद कर दिया उसने, कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल वालों की इतनी औकात नहीं है हमसे, हम लोगों को डिबेट में बैठा दे। वो 5-5 हजार के मौलाना बिठाते हैं, 5-5 हजार के पंडित बिठाते हैं, और हमारे पीछे तो ऐसे पड़े हुए हैं पीछे कि जब मौका पड़े तब हमको NSA UPA में डाल दे, हमारी मौत हो जाए। हम उसकी बात जिक्र नहीं करते, नहीं जीते। हर धर्म में एक ही बात कहा गया, इस्लाम में भी कहा गया है कि आप सिर्फ खुदा से डरो, हिंदू धर्म में भी कहा गया आप भगवान से डरो, आपको आपके खुदा का वास्ता है, आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरो और सवाल पूछो। ये जो कांग्रेस की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, ये दो तीन चीजों को लेके है। एक तो ये कह रहे कि जो पूरे कंट्री में फैसिस्ट सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ना है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट जिसे हम कहते हैं, और इसी तरीके से नफरत देश में फैलाई जा रही है। आप बहुत ओपन बोल रहे हैं काफी टाइम से, हम भी आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं,
लगता है आपको भारत जोड़ो यात्रा जो है देश में नफरत को भगाएगी, फैसिस्ट फोर्सेस को जो है जिसका अलिज कर रहे कांग्रेस वाले इनके खिलाफ लड़ सकते? देखिए, नफरत पूरे विश्व में है। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में क्या है, यूक्रेन और रूस के बीच में क्या है, वो तो सारे एक धर्म के लोग हैं। देखो, नफरत किसी भी देश में बाहरी शक्तियों के प्रभाव में आके होता है। हमें हमारा जो धर्म सिखाता है, जो हमारा संविधान सिखाता है, वो अधिकार और कर्तव्य दिए हैं। जिस दिन हम अपने धार्मिक शास्त्रों को और देश के संविधान को पढ़ेंगे, कुरान में भी लिखा है आप जिस देश में हैं उस देश के रूल्स को फॉलो करो। कुरान में लिखा है कि 40 गैर मुस्लिम भी हो भूखा नहीं रहना चाहिए। आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, आपको शरीयत कबूल नहीं होगा। नहीं लिखा है ना दारू पीना? तो आप सिर्फ उसको धर्म को प्रोजेक्ट कहां करते हैं, बीजेपी के बीच में। आप धर्म को, धर्म गुरुओं की गलती है। धर्म के बारे में, अपने अपने धर्म के बारे में हर आदमी को सीखने की जरूरत है। धर्म को अपने जहन में उतारने की चीज है। अब रह गई बात भारत जोड़ने की। मैं बिहार से आता हूँ, मैंने नफरत को बहुत करीब से देखा है, हमने उसकी कीमत चुकाई है। तो हमारी कोशिश इसी बात की है कि देश में जो कीमत हमने चुकाई है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ लोगे आपके रोजगार खत्म नहीं होंगे, आपकी हत्या नहीं होगी, आप पर एनएसए नहीं लगेगा? आप किसी भी जाति के लोग रहो, सरकार की आंखों में आंखों डाल के जब सवाल पूछोगे तो आपकी हत्या करा दी जाएगी। आप पूछ के देखो अडानी पर सवाल कि अमेरिका की फाइनेंशियल कंपनी, रिसर्च कंपनी ने अडानी के जो फ्रॉड हैं, शेयरों की खरीद फरोख सरकार की निगरानी में होते हैं, आखिर LIC और SBI ने कैसे खरीदे? आप सवाल पूछो कि CBI का जो चेयरमैन होता है, डायरेक्टर होता है, कौन होता है? एक IAS होता है, एक IPS होता है, IRS होता है। तो एक निजी कंपनी में काम करने वाले आदमी को कैसे बना दिया गया? आप सवाल पूछो, जब गार्जियन में रॉबसन की रिपोर्ट थी कोल स्कैम के बारे में, तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्या एक आदमी के घर पर अडानी के पोर्ट इतना ड्रग पकड़ा था, 5 ग्राम पर लागिन डांस करते थे, 52 ग्राम गांजा पर रिया चक्रवर्ती के घर पर हुआ? तो ये समझने की चीज है। आप सवाल इस पर पूछो, इस पर चर्चाएं करो कि हिंडनबर्ग ने जो 88 सवाल पूछे, जो अडानी बंधुओं के बारे में बताए हैं, जो अडानी के रिश्तेदारों के बारे में बताए हैं, जो अडानी के कम शेयर को बड़ा शेयर बताकर 800 गुना बढ़ाकर बैंकों से पैसा ले लिया गया है, जो पैसा हमारा, आपका, इनका पैसा है, अडानी को माफ कर दिया गया है, आखिर किसके सारे पर हुआ है? सवाल इस पर बनना चाहिए। सवाल राहुल गांधी के टी शर्ट पर, राहुल गांधी क्या खा रहा है, राहुल गांधी किसे मिल रहा है, राहुल गांधी, अब भैया फारूक अब्दुल्ला जी 6 साल वाजपेयी जी सरकार में मंत्री थे, आप सवाल तो नहीं पूछे? महबूबा जी 2.5 साल मुख्यमंत्री थी। ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बातें हैं, और राजनीति में और प्यार मोहब्बत में कब क्या होगा इसका कोई नहीं मुझे पता है। जनाब, अभी आप कश्मीर में कितने दिनों से हैं, यहाँ पे क्या फील किया आपने, क्या दर्द समझा है आपने, किन लोगों से मिला? देखिए, कश्मीर के लोगों पर ही नहीं, पूरे भारत के लोगों पर फिलहाल आप सेम कंडीशन है भाई, पूरी भारत को घूम। आपको पता है दिल्ली तुगलकाबाद में आज भी किस्तें जा रही हैं जमीनों की, और लोगों के घर उजाड़ दिए गए प्रशासन को आगे करके। कोई है माइका लाल जो बोल देगा? दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी का नेता मनोज मित्तल एक लड़की को कार से 16 किलोमीटर घसीटता रहा, किसी ने सवाल पूछा? बोलो कि पूछा हो, चूंकि वह भारतीय जनता पार्टी का नेता उसमें शामिल था, उसके ड्रग कनेक्शन थे, इसीलिए किसी ने सवाल नहीं पूछने दिया। यही तो बात है, यही तो खासियत है। आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं देश की, पूरे इस जो भी हो रहा है, नफरतें हो रही है, इस पे भी जानते हैं आप, किसने देश को लूटा वो भी आप जानते हैं, देश में क्या हो रहा है वो भी आप जानते हैं। चलते चलते मैं आपसे जानूंगा, ये जो सब कुछ आप बोल रहे हैं, 8 साल पहले सुन लो चाचा, 8 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग गांधी नेहरू परिवार पर एलिगेशन लगाते थे ना कि घोटाला किया, ये घोटाला किया, वो घोटाला किया। 2G का जो बोली कितना का लगा था, 5G का कितना लगा, आप बता दो 2G और 5G में के बोली में कितना का अंतर है? जिस कोल स्कैम की बात हो रही है, जिस कोल स्कैम में अडानी को पावर इक्विपमेंट्स के रेट बढ़ाकर किस तरीके से मनी गेम खेला गया, पैसा बनाया गया, जो ईडी और DRO जो ये काम करता है, उस ईडी DRO पर सवाल क्यों नहीं पूछते आप? तो आप 8 साल हो गए उस गांधी नेहरू परिवार को, जिसके बारे में आप कहते थे रॉबर्ट वाड्रा का इटली में घर है, तो इंग्लैंड की गलियों में है, तो आपकी क्या कर रही है सारी सिस्टम? और आप जवाब दो ना शुभेंदु अधिकारी पर, जब वो बंगला था
बंगाल में टीएमसी में सीबीआईईडी इनकम टैक्स डेली प्रोसीजरी करता था, अब यह रास्ता भूल गया है। हाथ पकड़ के ले जाऊं ईडी वाले को कि ये सुखिंदु अधिकारी है। जी बात करते हो आप, ये कह रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। मैं आपको आपसे जानना चाहूंगा, आपको दो मिनट के लिए देश का पॉलिसी मेकर, ठीक है, आपको दो मिनट के लिए देश का थिंक टैंक बनना चाहता हूं, और आपकी का विजन क्या है? ये सब चीजें दूर हो जाएंगी, नफरतें दूर होंगी, गरीबों को अपना हक मिलेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। समानता का अधिकार, बाबा साहब ने कहा था धर्म निरपेक्ष राष्ट्र सर्वधर्म संभाव। हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का आदमी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, राजा माँ बाप की तरह होता है। तो देश के संसाधनों पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, सभी आदमी का अधिकार है। बाबा साहब ने साफ साफ ये अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट दिए हैं, अधिकार और कर्तव्य दिए हैं। समानता की नज़र से जब आप देखेंगे, हम भारत के लोगों को बाबा साहब ने जातियों से धर्म से ऊपर उठा दिया था। 26 जनवरी को जिस दिन हमारा गणतंत्र लागू हुआ उसी दिन हम सभी भारत के लोग हो गए। तो हमें स्कूल की जरूरत है, हमें अस्पताल की जरूरत है, हमें फैक्ट्रियों की जरूरत है, हमें सार्वजनिक संस्थाओं की जरूरत है, हमें रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है, सारी समस्याओं का जड़ नफरत है। यूसुफ खान ही दिलीप कुमार बना था, नफरत थी तभी तो बना था, नहीं तो दिलीप कुमार बनने की जरूरत क्या पड़ती। दूसरी बात, गोरे के आंखों में चमोटी आप देखते हो ना, चमड़े की चमोटी होती है कि सड़क किनारे की हरियाली ना देखे। ये समाज में जो चंद मतलबी लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, ये हमें धर्म और जाति भाषा प्रांत में बांटकर मुल्क को लूटने वाले लोग हैं। थैंक यू वेरी मच।